हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुल्तानास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ रोहू फिश और आलू करी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं किया, तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आलू फिश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हाफ किलो यानी 500 ग्राम्स फिश। ये रोहू फिश लिया मैंने, आप कोई भी फिश ले सकते हैं। पहले फिश को मैरिनेट करेंगे, उसके लिए एक चम्मच नमक लिया, आधा चम्मच हल्दी लिया और एक चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर लिया। अब मसाले को फिश के साथ एक साथ अच्छे से मिला देंगे। मिला लिया, अब इसे मैरिनेट होने देंगे। आपके पास टाइम है तो 30 मिनट्स मैरिनेट करें, नहीं है तो कम से कम 5 से 10 मिनट मैरिनेट करेंगे। मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। फिश करी के लिए अब हम मसाला रेडी कर लेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच तीखे वाला रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब इन सब चीज़ों में पानी डालकर मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला हमारा फूल जाए। मिक्स कर लिया, अब इसे साइड में रखते हैं। हम आलू फिश करी बनाने वाले हैं, इसलिए बड़े साइज़ के 2 आलू इस तरह से कट करके पानी में रखा। पानी में नहीं रखेंगे तो आलू काला पड़ जाएगी, इसलिए पानी में रखा। तो चलिए कुकिंग शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें आलू डाल दूंगी और आलू को फ्राई कर लूँगी। हाई फ्लेम पे सुनहरे कलर आने तक हम आलू को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आलू फ्राई हो चुकी है, इसमें सुनहरे कलर आ गए हैं। अब आलू को निकाल लेंगे। इस ऑयल में ही हम फिश को भी फ्राई कर लेंगे। हम हाई फ्लेम पे फिश को फ्राई कर लेंगे। फिश को पकाते हुए 2 मिनट हो चुकी है, अब टर्न कर देंगे यानी पलट देंगे। देखिए कितनी सुंदर कलर आ गया है, 2 मिनट में ही फ्राई हो गया है। अब दूसरी तरफ भी 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड भी 2 मिनट फ्राई कर लिया। देखिए कितनी अच्छी कलर आ गई है, अच्छे से फ्राई हो गया। देखिए बस हो गया फ्राई। अब इसे निकाल लेंगे एक एक करके। देखिए फिश को फ्राई कर लिया। अब इसी ऑयल में हम ग्रेवी बनाएंगे। गैस को लो पर रखेंगे। अब इसमें ऐड कर दिया 1 चम्मच जीरा, तेज़पत्ता,
इसे सटकने देंगे जीरा को, तब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए कलर चेंज हो गया प्याज का। अब इसमें जो मसाला पेस्ट बनाए थे हम, वो पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। गाइस देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें आलू ऐड कर देंगे जो हम फ्राई की थी, और छोटे साइज के दो टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ना चाहे तो ना करें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। ऐसे ही थोड़ी देर आलू को भुनना है, आलू और टमाटर को, ताकि मसाला आलू के अंदर तक जाए। मसाले के साथ आलू को भून लिया। अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देंगे। आलू हमारा हाफ बॉयल है, क्योंकि हम पहले ही फ्राई कर चुके हैं, इसलिए आलू पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। अब ढककर आलू को हम 5 मिनट पका लेंगे। 5 मिनट पका लिया। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, मिला दें। आलू हमारा हाफ बॉयल था, फ्राई की हुई आलू है, शायद ये पक चुकी है। ये देखिए अच्छे से पक चुकी है। इसे हम एक दो आलू का हम मैश कर देते हैं, ताकि ग्रेवी थोड़ा थिक बने। अब इसमें ऐड करूंगी फ्राई की हुई फिश। हल्का हाथों से ऐसे करके हिला दीजिए कि मसाला फिश के अंदर तक जाए। अब ढककर 5 मिनट और पका लेंगे। गाइस 5 मिनट और पका लिया। देखिए कितनी स्वादिष्ट फिश करी बनकर रेडी है। दिखने में जितना स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में भी स्वादिष्ट लगने वाले हैं। अब थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और पास में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।